आपको लगता है तंत्र विद्या है, आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट है, आपको लगता है कि यह नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, हमारे घर में बहुत माहौल खराब कर रही है, बिल्कुल मत घबराएं। आज एक उपाय सुन लें, पंचमुखी हनुमान जी जिनके पांच मुख हों, पंचमुखी हनुमान जी किसी आचार्य, किसी ब्राह्मण, किसी साधक सिद्धि के द्वारा उनको उनका पूजन करवा करके मंगलवार के दिन चरणों में थोड़ा सा सिंदूर लगा करके और पान के पत्ते में शहद लगाकर उस पर पंचमुखी हनुमान जी के छोटे से विग्रह को बैठाकर या चित्र को बैठाकर दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर टांग देना। ये पंचमुखी हनुमान जी की बात, क्योंकि जब राम जी का हरण करके अहिरावण ले गया पाताल लोक, तब वहां पर श्री हनुमान जी ने राम जी की रक्षा के लिए पांच मुख धारण किए थे, क्योंकि वहां जो कुल देवी थी अहिरावण की, उस माता के मंदिर में, देवी के मंदिर में अहिरावण ने पांच दीपक जला रखे थे। और नियम था, ये बात सिर्फ देवी को पता थी कि जो भी व्यक्ति एक बार में पांचों दीपक एक बार में फूंक करके बुझाएगा उसी के हाथों वध होगा अहिरावण का। तो अहिरावण का वध करने के लिए श्री हनुमान जी ने पांचों दीपक को बुझाने के लिए पंचमुख बना करके हनुमान जी प्रकट हुए थे। इसलिए अहिरावण यानी राक्षस, और घर में भी अगर राक्षस वृत्ति है, कोई तंत्र है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप पंचमुखी श्री हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करो। अपने बच्चों को स्वयं महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, आप मंगलवार, शनिवार, रविवार, बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी, हमें कई लोग मिलते हैं, बोले महाराज जी और दिन तो हम लगाते हैं, मंगलवार नहीं, मंगल छोड़ देते हैं, मंगलवार तो छूते भी नहीं महाराज जी। बहुत से लोग महाराज जी मंगल और शनिवार दोनों नहीं पीते, बाकी तो पीते हैं, नक कटा ठटरी के भरे हैं। इसका मतलब हनुमान जी केवल मंगलवार भर को है, बाकी दिन गायब, मतलब हनुमान जी बाकी दिन एब्सेंट है, सिर्फ मंगल शनिवार को हनुमान जी मिलते हैं, ऐसा ना आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? अरे नहीं, मंगल और शनिवार तो विशेष कृपा के लिए है, मंगल शनिवार तो उन लोगों के लिए है जिन्हें सात दिन नहीं आना, तो कम से कम मंगल के बहाने आओ कि आज विशिष्ट दिन है, आज विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा पाने के चक्कर में आओ। मंगल और शनिवार तो इसलिए है हनुमान जी का, बाकी हनुमान जी का तो चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत हो जाए। वो तो चारों युगों में क्या मंगल, अच्छा चारों युगों में, ऐसा तो है नहीं कि केवल मंगल शनिवार पर, बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते महाराज जी शनिवार को तो हमारे घर पे कुछ बनता ही नहीं है, बहुत सी माताएं मिलती हैं महाराज जी हनुमान जी की तो हमारे स्वामी जी बड़े पुजारी हैं। अच्छा माँ कैसे? महाराज जी शनिवार को तो हम कुछ बनाते ही नहीं है। कुछ मतलब समझ जाओ हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसा बोलते आप लोग, बहुत समझदार हो ना, हमें बड़ी हंसी आती है कि बताओ ये विचार क्या कर रहे हैं, मतलब बाकी दिन हनुमान जी गायब, सिर्फ मंगल शनिवार हनुमान जी लैंड करते हैं, फिर हनुमान जी टेक ऑफ कर जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, हनुमान जी हवा में है, हनुमान जी वायु है, हनुमान जी कण कण में, आप जो श्वास ले रहे हैं ना, हमसे बहुत से व्यक्ति पूछते हैं हनुमान जी आपके कितने करीब हैं, एक साधक ने हमसे पूछा आपने हनुमान जी के दर्शन किए, हमने कहा नहीं किए पर अनुभव किया, बोले कब अनुभव हुआ आपको, हमने कहा हर श्वास में हमें अनुभव हुआ क्योंकि उनका नाम पवन कुमार।